दिन भर के धूम्रपान और हुक्के के प्रयोग के बाद जब इंडियन टीम के सिलेक्टर्स का मानसिक संतुलन पूरा का पूरा लड़खड़ा चुका होता है, तब वो सिलेक्शन का जो तंबोला है उसका आगाज करते हैं। और इस बार भी जब इंडियन टीम के सिलेक्टर्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रिप्लेसमेंट प्लेयर्स की सिलेक्शन के लिए बैठे, तो उन्होंने एक बहुत ही साइंटिफिक नुस्खा इस्तेमाल किया इस बार के सिलेक्शन प्रोसेस में। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, और जिन प्लेयर्स का सिलेक्शन होना बनता था उनको बोला तुझे आई चक हो। केएल राहुल के रिप्लेसमेंट के लिए उन्होंने ईशान किशन का सिलेक्शन किया। आईपीएल के परफॉर्मेंस के बेस पर ही सिलेक्शन करना था तो इससे अच्छा संजू सैमसन को कर लेते। जब भी कोई इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट आता है तो हमारी इंडियन टीम का स्क्वाड ऐसे लड़खड़ा जाता है जैसे दारू के ठेके के बाहर भटकते बेवड़े। T20 की टीम का सिलेक्शन IPL के बेस पे करेंगे, वनडे टीम का सिलेक्शन IPL के बेस पे करेंगे, टेस्ट मैच का सिलेक्शन IPL के बेस पे करेंगे। अबे तो रणजी ट्रॉफी और इसके अलावा 2 दर्जन और डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो करवाते हो बंद करवा दो उन्हें। मैं तो कहता हूँ 12 में से 8 महीने IPL ही करवा लो। ऐसी कौन सी तकलीफ हो रही है इन सिलेक्टर्स के घुटनों के कटोरों में जो इनका दिलो दिमाग पूरी तरह ध्वस्त और चरमरा चुका है।